दोस्तों, साल की सबसे बड़ी मोहिनी एकादशी आ चुकी है और अब आपकी जल्द ही हर परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन किया गया विशेष उपाय आपकी सभी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह खास उपाय जो केवल इस एकादशी के दिन ही आपको करना है, क्योंकि मोहिनी एकादशी के दिन यह उपाय यदि आप करते हैं तो उसका अति शीघ्र आपको प्रभाव दिखता है, आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है। ऐसा बताया गया है कि इसे करने मात्र से ही जो भी इच्छा या कहे मनोकामना आपकी हो वह आपके मन में सोचने मात्र से ही पूरी हो जाती है। इसके साथ ही यदि आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो किस प्रकार इस दिन आपको व्रत रखना है ताकि पूजा का पूरा फल आपको मिले, हम आपको बताएंगे। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखता है उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है तथा उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के व्रत की इतनी मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री राम जी ने भी यह व्रत रखा था। जब सीता के वियोग में भगवान श्री राम इधर उधर भटक रहे थे तथा उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, उस समय भगवान श्री राम ने मोहिनी एकादशी व्रत रखा था। इतना ही नहीं, महाभारत में भी मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा मिलती है कि युधिष्ठिर ने भी अपने दुख एवं अनजाने में हुए पापों से छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत किया तथा अंत में उन्हें स्वर्ग धाम की प्राप्ति हुई। मोहिनी एकादशी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के पावन दिन में आती है और यह एकादशी 15 मई बुधवार के दिन पड़ रही है, जो इस एकादशी को और भी अधिक पवित्र एवं फलदायी बना रही है। क्योंकि दोस्तों, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है जो कि विघ्नहर्ता माने गए हैं। ऐसे में इस एकादशी के दिन की गई पूजा उपाय एवं व्रत आपको आपके हर संकट से मुक्ति दिलाएगा। मोहिनी एकादशी के विषय में मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत पीने के लिए देवता और दानवों के बीच विवाद छिड़ गया, तब भगवान विष्णु सुंदर नारी का रूप धारण करके देवता और दानवों के बीच पहुंच गए। उनके रूप से मोहित होकर दानवों ने अमृत का कलश उन्हें सौंप दिया। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, इससे देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे उस दिन एकादशी तिथि थी। भगवान विष्णु के इसी मोहिनी रूप की पूजा मोहिनी एकादशी के दिन की जाती है। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार आप मोहिनी एकादशी के दिन व्रत उपवास रखें। मोहिनी एकादशी की सुबह आपको स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। भगवान विष्णु को फल का भोग आप लगाएं। इस दिन मन से भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण आपको करना चाहिए। और ध्यान रखें, इस दिन घर में चावल ना बने, क्योंकि उस दिन चावल का सेवन घर में कोई भी सदस्य करे तो यह अशुभ होता है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। हो सके तो इस दिन आप सारे समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते रहें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करें तथा हो सके तो भगवान विष्णु से संबंधित आपको कथा सुननी चाहिए तथा भगवान की पूजा पूर्ण करने के पश्चात आप इस मंत्र का जाप 11 बार अवश्य कर लें। मंत्र है दोस्तों, ओम नारायणाय विद्यमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब आप अपनी मनोकामना भगवान को ध्यान करते हुए बोले, इस तरह आप अपना व्रत पूर्ण कर ले। दोस्तों, इस उपाय से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का वास आपके घर पर होता है तथा आपको कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी से जुड़े विशेष उपाय की। एकादशी की शाम आपको यह उपाय करना है। अपने घर के मंदिर में ही आपको दो दीपक जला लेने हैं भगवान विष्णु के सामने। एक आप घी का दीपक ले लें, दूसरा तेल का दीपक, साथ ही कोरा कागज और एक पेन आप ले लें। आप पहले भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, उसके बाद आपको कागज पर अपनी कोई भी दिल की मनोकामना लिख लेनी है और उसे 4 बार फोल्ड करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने रख दें। अब आपको इस सिद्ध मंत्र को अपने मन में 21 बार बोलना है। मंत्र है दोस्तों, ओम अम प्रद्युमाय नमः। इस मंत्र को आप 21 बार बोलें। अब उस कागज जिस पर आपने अपनी मनोकामना लिखी थी
तथा घी का दिया अपने घर के आंगन जहाँ पर तुलसी का पौधा है वहाँ लेकर आ जाए और तुलसी का जो गमला है उसकी मिट्टी पर वह कागज को आप दबा दें तथा घी का दिया तुलसी के सामने रख कर तुलसी माता से वही प्रार्थना करें जो आपने उस कागज में लिखी थी। इस उपाय से आपकी मांगी गई इच्छा तुरंत पूरी होती है, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास आपके घर पर होता है, आप हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।